जस टीवी देख रहे तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट विद तुहाडा सब दा स्वागत करते हैं। कोविड वैक्सीन किनू लगवानी चाहिए किनू नहीं लगवानी चाहिए, यह सवाल हुण खत्म होंदा जा रहा, पर वैक्सीनेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनकी घाट है, उन ते सवाल खड़ा हो रहा। ऑक्सीजन की घाट है, वैक्सीनेशन की घाट है, 18 तो वड्डी उम्र वाले दे लोकां लई शुरू करनी सी, पर जो सेहत मंत्रालय कह रहा है वह कह रहा है कि 9 सूबे में शुरू हो चुके हैं, उस तो अलावा बाकी जगह पर नहीं शुरू होया। का सूबे वार वार केंद्र सरकार को गुहार लगा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए सुनवाई है जी, सुप्रीम कोर्ट तक चलती पी है, हाई कोर्ट के लगातार सुनवाइया हो रही, झाड़ा पै रही, पर इस विचाले टैसट कि होना चाहिए, RT-PCR एंटीजन, ये टैसटा तो भी अमल पुसता नहीं पै गया, बहुत सारे सवाल है। तो इस सवाल करके असी कोशिश करते हैं कि तुम्हें जागरूक किया जाए, क्योंकि रोज़ तुम असं केस दसते हैं, केस बढ़ते पे है, मौतों के आंकड़े बढ़ते पे है, पर इस विचाले तुम्हें अवेयरनैस कितनी दिती जा रही है, वह सवाल भी साढ़े अगे खड़ा होंगे। इस करके अवेयरनैस की गल करनी जरूरी है। टैसट तो टीके तक भंबल पूसा क्यों जहाँ भी मेरी नजर पहुंची है, लोग ही लोग, लोग ही लोग। सरकारां सिस्टम सारियां ते सवाल है, पर इन्हां सवालों के चाले वड्डा सवाल एक है कि कोरोना महामारी तो बचाने लई तुहाडा मददगार कौन है, तुहाडी मदद लई कौन आऊगा, तुसीं आपदी मदद किन्नी खुद कर सकते हो, ये सिस्टम, ये सरकारां, ये प्रशासन, ये मैडिकल साइंस, ये पोलिटिकल साइंस तुहाडी मदद लई किन्नियां खड़ियां हो सकदियां, समाज सेवी संस्थावां तुहाडी किन्नियां खड़ियां हो सकदियां, पर असल विच तुसीं अपने मददगार किन्ने साबित हो सकते हो, इस सवाल ते चर्चा करनी है। तीन बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद है, उन्हां दा तुहाडा तारुफ करा रहा, तो उस तों बाद यह असीं चर्चा शुरू करदे हां। डॉक्टर प्याला गर्ग साबका रजिस्ट्रार ने वाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस ते, ते कई तरह की अवेयरनैस की गल करते हैं, बस उस अवेयरनैस के विचाले जिहड़े सरकारां वल्लों ये संकट साडे सामने खड़े किए गए उन्होंने गल भी लगातार करते, इस करके सद डॉक्टर प्याला गर्ग सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी बाबा। डॉक्टर राहुल भार्गव ये हेमटोलॉजिस्ट ने, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट नाल जुड़े हुए है, तो दिल्ली के इन्हों का वड्डा नाम है, बहुत मान सम्मान इन हिस्से आ चुके हैं, पर दिल्ली में जोड़े हालात है उन्होंने तो डॉक्टर राहुल भार्गव अक्सर चिंतित रहते हैं, जो मामले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टा तक पहुँचते हैं उदों फिर ये ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं। तो डॉक्टर राहुल भार्गव हर दिन टिप्पणियाँ सुन के कई मीडिया हाउसिस ने इन्हों बुला भी बंद कर दिता, जब तक मैंने जानकारी। डॉक्टर राहुल भार्गव सर बहुत स्वागत है सर, थोड़ा नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति ये कम्यूनिटी मैडिसन के प्रोफेसर ने, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति अक्सर कम्यूनिटी की गल करते हैं, बहुत किताबा लिख चुके हैं, बड़े आर्टिकल लिखते हैं, अक्सर इनका आर्टिकल कोई ना कोई साढ़े सामने आ जाता, तो जो असं पढ़ते हैं तो उदो कहने असी कम्यूनिटी समस्या किन्नी हैगी, तो सिस्टम है जोड़ा जोड़ा सरकार चला दी उस सिस्टम के खामियां किनिया है, तो डॉक्टर दीप्ति उन्होंने निवारण करने के लिए हमेशा गल करते हैं, पर निवारण हो कि ना रहा सवाल यही है। डॉक्टर दीप्ति सर थोड़ा भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर पहला गर्ग सर शुरुआत थोड़े तो करना चाहूँगा सर, सर पहला मैं चाहना कि साढ़े दर्शकों की जानकारी लिए फटाफट एक मैं 5-7 सवाल तुम्हें फटाफट कर लवा, तो जल्दी जवाब दे दी उन्होंने। सर देश में किन्ने तरह की वैक्सीन हैगी है? अजय दो तरह की चल रही है, तीजा आ गया है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा, ठीक, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, के जेड़ा सुपुत्निक वी है, वो भी आ गया, ठीक है सर। एक खुराक तो बाद दूजी खुराक कदों चाहिए है? कोवैक्सीन की 4 हफ्तों की जो साडा नैशनल स्टैंडर्ड उहदे विच, वैसे तो जी कोविशील्ड है उहदे विच 6 तो 12 हफ्ते कहिंदे, असीं 6 तो 8 हफ्ते है साडे नैशनल स्टैंडर्ड है। सर दोनों डोज एक कंपनी दी लगवाउणी जरूरी है? बिल्कुल इको कंपनी लगवाउणी चाहीदी है, क्योंकि उहनां दा वैक्सीन ही वक्खरा वक्खरा है। ठीक है सर, वैक्सीन तो बाद कोविड ना हुंदी कोई गरंटी हैगी जां नहीं हैगी? गरंटी कोई नहीं, पर जे मास जिहड़ी हैगी है हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी फिर आलमोस्ट गरंटी वर्गा काम हो जाता, पर गरंटी फेस भी बहुत घट होएगा। ठीक है सर, दोनों खुराकों लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है जां एक खुराक लिए रजिस्ट्रेशन करा ली दूजी लिए जरूरी नहीं हैगी, जां दोनों लिए जरूरी है? रजिस्ट्रेशन दोहां वास्ते जरूरी है, क्योंकि सारी प्लानिंग करनी होंदी, उन्होंने भी बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है, ते इस करके वह सौखा रहिंदा है। सर दोनों डोज वख-वख शहरां च लईआं जा सकदियां? मैं जिवें कितें गुरदासपुर बैठा तो अमृतसर जाके लै लां डोज, जां दिल्ली जाके लै लां, जां पुणे जाके लै लां, पॉसीबल है? इहदे बारे मैनूं ज्ञान नहीं है, पर मेरे हिसाब नाल हो जाणी चाहीदी है, मिल जाणी चाहीदी है, मिल जांदी है। चलो ठीक है सर, वैक्सीन की देश भर में एक कीमत क्यों नहीं है सर, लोगों का सवाल है सर। हाँ जी
एक कीमत वो तो क्यों नहीं सीधा ही हैगी? है, वो तो हुण 21 अप्रैल में सरकार ने जिहड़ा पूनावाली दा तो हुण बयान भी आ गया कि असीं लॉबिंग करी है, लॉबिंग करके उन्होंने करा लिया कि असीं स्टेटां नूं 300 रुपए देवांगे, दूजा असीं जिन्ने मर्जी दी बेचीए उहदा कोई 600 दिंदा। ईवन दोनों वैक्सीन की आपस में डिफरेंट है, तो सरकार ने क्योंकि बड़ियां कारपोरेशन वास्ते करिया इस करके इहदे तां जानबूझ के करी गई है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर। अज तक इस तरह हुई नहीं, ठीक है, एक यह भी आखिरी मैं सवाल कहना। सर। सर जे बच्चों को कोविड हुंदा सर, मेरे सामने केस है सर, 6 महीने की बच्ची है और उसनों कोविड होया सर, किन्ने हाँ साल जी, तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है या वैक्सीन करवा सकते हो? नहीं अजे तक 18 साल तो थले, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं होए, कोई परीक्षण नहीं होए ना वैक्सीना दे, अजे तक पॉलिसी दे जी नेशनल पॉलिसी उहदे च 18+ दे उत्ती 18 दे उत्ती लाया जा रहा है। चलो डाटा करके वापस आऊंगा सर। डॉक्टर राहुल भार्गव सर, तुम दिल्ली बैठे हो सर, दिल्ली विच सुप्रीम कोर्ट जिहड़ियां टिप्पणियां करता है, हाई कोर्ट जिहड़ियां टिप्पणियां करता है, उहदे विचाले सवाल है सर, हाई कोर्ट जिन्नियां सख्त टिप्पणियां कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां टिप्पणियां नूं किन्ना सर समेटिया, किन्ना आपदे कोल रखिया है, जां सुप्रीम कोर्ट उन्हां टिप्पणियां नाल किन्ना इतफाक रखता है? डॉक्टर राहुल भार्गव देखिए, ये विरोधाभास तो बहुत बड़ी बात है। ये बात समझना है कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। जिस प्रकार से 3,500+ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, पिछले 2 दिन में कम थे, कल दोबारा ज्यादा आए, परेशानी है। और ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई में शायद इस बार देश में कॉमन आदमी, जिसे हम आम आदमी कहते हैं, वो पिसा है। जैसे हम है, आप है, डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं और जो मेरे प्रीवियस प्रवक्ता थे वो लोग हैं। इस बात का संज्ञान अब सरकार ने लिया है, कोर्ट्स ने लिया है कि हम अंधे नहीं हो सकते, हम गूंगे नहीं हो सकते। जहां पे ये बात होती है कि हमें चुप रहना चाहिए, हम चुप नहीं हो सकते, क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन प्रदान करना आपका राइट है। जिस प्रकार से दिल्ली कहता है कि मुझे 900 मेट्रिक टन चाहिए, स्टेट कहती है 450 मेट्रिक टन चाहिए, आधा, इसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट 900 है और 450 मेट्रिक टन उसको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सिस्टमिक प्लानिंग का फेलियर है, इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है। भारत सरकार बार 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 इस बात को कहती है कि हमारी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। अगर प्रोडक्शन में कमी नहीं है तो मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रही? 9,000 मेट्रिक टन का आपने प्रोडक्शन कर दिया और आपको दिल्ली में 900 मेट्रिक टन चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, ये कहां से है? ये साफ दिखाता है कि दिल्ली और सेंट्रल की सरकार में मतभेद है। दोनों दूसरे की लाइन को छोटा करके अपनी लाइन बढ़ाना चाहते हैं और हम आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसीलिए बार बार जो हाई कोर्ट टिप्पणी देता है, और कितनी विडंबना वाली बात है, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तिरंगा है, एक स्टेट में हाई कोर्ट रिक्वेस्ट करता है स्टेट से लॉकडाउन के लिए और दूसरे स्टेट में वही चुनी हुई सरकार को फटकार लगाता है। तो ये बात भी देखना आवश्यक है कि किस प्रकार से हमारी चीजें आगे बढ़ रही हैं और किस प्रकार से हमें उसको निवारण करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती है, वो आम आदमी को उससे कोई एतबार नहीं है, उसे जीना है, ऑक्सीजन साथ लेके जीना है, कोरोना को हराना है। क्योंकि तो बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं सरकारों को और चुनते हैं सरकारों को ये सोच के कि जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो सरकार आगे आएगी, ठीक ठीक और डॉक्टर राहुल इस बार सरकार ने उन्हें धोखा दे दिया। डॉक्टर राहुल वापस आऊंगा सर। डॉक्टर दीप्ति, मैं हमेशा कम्युनिटी की गल करता सर तुहाडे कोले। सर कम्युनिटी का सवाल यह है कि असी ऑक्सीजन लभन जाइए सर, असी वैक्सीनेशन लभन जाइए, असी हस्पताल लभीए सर, साडी ड्यूटी थोड़ी है? वो कहिंदे सी तुहानू टैक्स देने आ, तुहानू वोटां देतीआं असी सर, होर की दे दईए? डॉक्टर दीप्ति नहीं, बिल्कुल गल सही है। देखो मैं क्या कह रहा, भी पर अपनी जान भी दे दी। हाँ। अपनी MBBS बिल्कुल सही पढ़ाई तो लैके, हेलो हाँ जी, मैं MBBS की पढ़ाई तो लैके मतलब कि अपने काम करते हुए, अपने सीनियर्स नाल काम करते हुए, कदे किसी प्रिस्क्रिप्शन के उपर मतलब कि ऑक्सीजन लिखी भी नहीं देखी। ये अपने आप बहुत मतलब कि मंदभागी गल हैगी है। मैं कहना दवाइया लिखने की गल भी जी है, बंदा लिखता है ना, वैसे चाहिए तो यह है कि उसको बाजार ना जाना पवे, उन्होंने डिस्पेंसरी मतलब चाहे वह सिविल हस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कितने भी हो, उसको वो दवाई अंदरों ही मिलनी चाहिए हैगी है। पर असी देख रहे कि हौली हौली एक एक करके दवाइया जीडिया ने वह बाहर कैमिस्टा दुकाना तो मिल रही है, पर यह तो बहुत ही माड़ी मतलब है भी कोई बंदा अपने मोढ़िया से सिलेंडर लैके भज रहा है, सिलेंडर लैन वास्ते लाइन च लग्या होया है। ये जो स्थितियां देख के बिल्कुल मतलब कि डॉक्टर राहुल ने बड़ी मतलब ठीक गल की है, भी साढ़े को ऑक्सीजन हैगी है,
ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 162 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 150 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫੀਟਿਡ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਗੇਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਏਕ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, RT-PCR ਟੈਸਟ, ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CT ਸਕੈਨ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੋ ਕੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਈਲਡ ਮਾਡਰੇਟ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਈਵਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਿੰਦਰੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੁਟ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, 30,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਂਝ 15,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਜੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ, ਤਬ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ 27,000 ਕਰੋੜ ਮੇਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਯੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਕੋ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ, ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਔਖੇ ਹੋ ਲਓ, ਘੱਟ ਸਾਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ।
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, RT-PCR ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ? तो थोड़ा सा इलैबोरेटिव करके बात करना पड़ेगा जी। इस बात को समझिए, 15% लोगों को सिम्टम है पर PCR नेगेटिव है, उसमें हो सकता है सिक्रीशन ना आए हो, लैब में पिकअप ना हुआ हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 15% लोगों में जो हमें पाई गई वो लगता है कि लैब की एरर हुई, मतलब सैंपल कलेक्शन प्री लैब कलेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्री टेस्ट की प्रॉब्लम, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके दर्शक को यह समझना आवश्यक है, कोई भी सिम्टम अभी 1 महीने तक आए, सर में दर्द, शरीर में दर्द, लूज मोशन, बुखार, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। PCR पॉजिटिव आए या ना आए, 7 दिन तक 8-9 दिन तक अपने कमरे में रहिए, क्योंकि आप इंफेक्शन को फैला सकते हैं। दूसरी बात, CT स्कैन का अप्रोप्रिएट यूज करना आवश्यक है। यहाँ सारे डॉक्टर जानता है कि कौन सी दवाई सही टाइम पे दी जाए तो इफेक्ट उसका साइड इफेक्ट से कम होता है, ज्यादा होता है, इफेक्ट ज्यादा होता है साइड इफेक्ट से। अगर आपका 5वें-6वें दिन बुखार नहीं उतर रहा, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स आपके दिखा रहे हैं कि परेशानी है, CT स्कैन कराइए। एक्सरे चेस्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मैं रणदीप गुलेरिया जी से थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़ा सा चीजों को नहीं मानता। CT स्कैन का अप्रोप्रिएट यूज एट ए अप्रोप्रिएट टाइम होना आवश्यक है। CT स्कैन कराइए, पर डॉक्टर से पूछ के कराइए, बिना पूछे मत कराइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेक्सामेथासोन गांव-गांव में बिकती है, उसको बैन कर दीजिए। एक मृत्यु का कारण हम जो देख रहे हैं, डेक्सामेथासोन का ओवर यूसेज है, स्टीरॉइड का ओवर यूसेज है। तो इन दोनों चीजों के लिए क्लैरिटी, देखिए हमको ये समझना जरूरी है, जो हम गाइडलाइन बोलते हैं बताते हैं, हर बंदे का इस देश में IQ डिफरेंट है, समझने का जानने का नजरिया अलग है, उसको सिंपल स्वभाव में बताना आवश्यक है। अब इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि CT कराए नहीं कराए, कराए नहीं कराए, तो आपके दर्शकों को यह पता होना चाहिए, विदाउट डॉक्टर्स इंटरवेंशन मत कराइए। PCR पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कमरे में बंद होके रहिए, मास्क पहन के रहिए। मेरे घर छोटा है, मेरी वाइफ को कोविड हुआ, मैं मास्क पहन के रहा, मेरी वाइफ कोविड थी, पॉजिटिव रही, मेरे को कोविड नहीं हुआ, ये बात समझना जरूरी है। मास्क पहनते हुए भी देखिए, डॉक्टर नर्सेस आए दिन PPE किट में कोविड पेशेंट का देखभाल कर रही है। अभी हमने अपने अस्पताल में देखा, उन 150 नर्सों में 1 महीने में एक भी कोविड इंफेक्शन नहीं हुआ। तो मास्क आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात जान के रखिए। उसके बाद सब चीजें बेकार है, ना म्यूटेंट वायरस आएगा ना कुछ आएगा। CT स्कैन कराइए, अप्रोप्रिएट टाइम पे कराइए, बार बार मत कराइए। ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो सिम्टम के लिए, जांच के लिए ये जानना कि मेरा लंग कितना खराब है करवाना आवश्यक है। ठीक हो गए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर चले गए, अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हो, CT स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है डॉक्टर श्याम सिंह दीप्ति, जिवें इन्होंने एक मेडिसिन का जिक्र किया कि उन्होंने बैन कर देना चाहिए, वो लोग ज़्यादा खरीदते पे है, आप खुदरी लोग है जोड़े वो आपे फैसला कर लेंगे। सर जोड़ा CT स्कैन वाला वो भी फैसला सर डॉक्टर को करना चाहिए, लोग तो आपे फैसला करना शुरू कर गए हैं। उस विचाले जो डॉक्टर गुलेरिया का जिक्र करते पे डॉक्टर राहुल भार्गव, उन्हें जो बयान आ जाता है लोग हम डर गए सर भी मैं 2 बारी CT स्कैन करा लिया भाई मैंने तो कैंसर हो जूगा। डॉक्टर दीप्ति देखो पहली गल तो है भी जिन्हें भी इनवैसटीगेशन है ने असी देखो मैं MBBS की पढ़ाई के पेगा भी डॉक्टर को मरीज आता है वो अपने सिमटम दसदा है असी सिमटम के नाल 90% पहचान लें भी इस बंदे बीमारी की हो सकती है। जे डॉक्टर को शक लगे भी एक का टैसट करवा की लड़ है मैं कलैरिटी हो जाऊगी अपने डायग्नोसिस के फिर उसमें डॉक्टर की सलाह ना जाना चाहिए। पर असी हम हौली हौली देख रहे हैं एक लाइब्रेरी अपने लैबोरेटरियां का भी तंत्र हैगा जिहड़े कि अपने आप ही सानू सवेरे अखबारों में पैम्पलेट आ रहे हैं ये ओल्ड एज पैकेज है, ये डायबिटिक पेशेंट का पैकेज है, ये पुराना पैकेज है, इवें ही मतलब कि लोग हम इन्ने अवेयर हो गए हैं भी अपने आप ही जाके CT स्कैन करा रहे हैं, अपने आप ही अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। इस करके हम लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है भी लोगों जो आप एजुकेशन की गल करिए तो पहले दिन तो लैके हूँ तक असी जो सब तो मतलब कि घट मतलब कि जिस एफर्ट की है वो एजुकेशन हैगी है, चाहे वह दवाइया की गल है जिम्मे इन्होंने डेक्सामेथासोन की गल की, चलो ये तो एक साड़ी मतलब कि वैसे पुरानी पेंडू लोगों के भी अवेलेबल रहा है, स्टीरॉयड लोगों ने चमत्कारी नतीजे भी देखे ने। मैं तो इतों की गल करता कि रेमडेसिविर भी कितने कोई
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਫਰਮੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪੰਬਲ ਪੁੱਸੇ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਠਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇ 80% ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, 500 ਰੁਪਏ RT-PCR ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਆਪ ਇਹ ਬਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੋ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ CT scan 1,000 rupees ਮੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, 2,000 rupees ਮੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਤ ਕੋ ਲੇਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੰਦਰਭ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇ ਆਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜੋ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉਸਕਾ ਅਗਰ ਆਡਿਟ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਇਹ ਪਾਏਂਗੇ ਕਿ 30-40% ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਨਕੇ ਦਿਮਾਗੋ ਮੇ ਇਹ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਡਿਲੇਡ ਇਲਾਜ ਕਾ ਯੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਾ, ਤੋ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੋ ਲਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਚੈਨਲ ਜਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਮੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਤ ਰੂਪ ਸੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਲੋਗੋ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਆ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੋ ਉਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਲੋਗ ਉਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਇਸ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹਾ, ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਜੋ 850 rupees ਕੀ ਦਵਾਈ ਹੈ 40,000 rupees ਮੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਯਾ ਹਮਈ ਮੇ ਸੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਯਾ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੁਧਾਰੇਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਬਨੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮੇ ਇੱਕ ਅਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਮੇ ਵੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ 80,000 rupees, ਟੋਸਿਲਿਜ਼ੁਮੈਬ 800 rupees ਕੀ ਚੀਜ਼, 80,000 rupees ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਪੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜੋ ਲਕੜੀਆਂ ਜਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲੋਗੋ ਕੇ ਕਾਮ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ੋ ਕੋ ਹਮ ਲੋਗੋ ਸੇ ਲੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਠੀਕ ਬਾਤ ਸਮਝੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਪਤੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ, ਇਹ
इस मेडिकल प्रोफेशन के नाल जुड़े हुए लोग ही इस दे विच कालाबाजारी कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति सर, इस सवाल का जवाब तुसीं कृपा करके मैनूं दे दो, ये कालाबाजारी करने वाले कौन है सर? नहीं देखो इस तरह आप एक एक बंदे नूं नहीं कर सकते, एक नेक्सस ही होंदा, कनेक्शन तो है ही है। देखो जिहड़ा बंदा पेशेंट दाखिल होया उहनूं कहा जांदा भी तू जाके रेमडेसिविर लिया, वह कहता मैं कितों लिया, फिर उहनूं एक नंबर दिता जांदा भी तू उत्थे जाके फोन कर शायद उत्थों मिल जाए। कहने का मतलब ये एक नेक्सस तो है ही है, कोई बंदा वैसे गली च खड़ा जेब च पा के आवाजा तो मारदा नहीं कि मेरे को रेमडेसिविर हैगी है या मेरे को ऑक्सीजन का सिलेंडर करे पिया है भी मैं इन्हें देंगा। तुम देखो भी इन्होंने कनैक्शन जो लभन लग लगेंगे तो सारा मतलब कि आपको एक नैक्सस जब नज़र आता है, मे बी उन्हें पोलीटिशियनस भी होने, ब्यूरोक्रैट्स भी होंगे, तो मेडिकल प्रोफेसन के बंदे भी नाल हो ही हो, नहीं हो सकता कि वह मतलब कि जिमें मतलब कि डॉक्टर राहुल जोड़े ने मतलब कि बिल्कुल राइट वे मतलब कह रहे हैं कि प्राइवेट वाले जोड़े ने बहुत नहीं कमा रहे, पर यह नैक्सस का हिस्सा जरूर है। मैं सारे प्राइवेट वाले नहीं कहता, डॉक्टर राहुल बहुत वधिया हो सकते हैं, बड़ी वधिया गल्लां कर रहे हैं, पर आप मतलब कि जे इन्हों का सारा सारा साइकल या नैक्सस देखा तो सू कित ना कि इन्हों अल्टीमेटली कनैक्शन जो है वह जुड़िया हुआ जरूर नजर आऊगा। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, कोई ट्रांसपेरेंसी आ सकती है सर, जिमें जो कैंसर का जिक्र हो रहा डॉक्टर राहुल ही करते पे, डॉक्टर गर्ग खरा ने भी उनकी बड़ी रिसर्च की है, ये घर घर गए सर, सर्वे किए उन्होंने सर, एक जिमें एक चार्ट बना के ला दिता जाए भाई बैड के इन्ने पैसे लगन गए, ऑक्सीजन तुम सिंपल लै रहे हो इन्ने पैसे लगन गए, वेंटीलेटर है तो इन्ने पैसे सर, उनका एक चैक एंड बैलेंस तो हो जाए ना सर, सरकार ने अनाउंस किया सर मैंने पता डॉक्टर दीप्ति, पर सर इंप्लीमेंट नहीं है सर। नहीं देखो पता ही साहब भी ये एक प्राइवेट नर्सिंग होम मतलब कि एक्ट मतलब कि हिंदुस्तान बनाने की गल है जी, पर कभी भी हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो कई स्टेटा ने बनाया तो इंप्लीमेंट किया उन्हें उ ही है, उस एक वही चीज़ यही हैगी है भी थानू अपने लिखना पेगा कमरे का किराया किन्ना है, ऑपरेशन का किराया किन्ना है, डॉक्टर की फीस किन्नी हैगी, नर्स की फीस किन्नी हैगी, पर बहुते जे मतलब कि क्योंकि साढ़े आई एम ए के बैठे हुए जो बंद ने आप मान सकते हैं जे नैचुरली एक बड़े काफ़ी लंबे समय तो क्वालिफाइड ने किसी ना किसी पोलीटिशियन उन्होंने होंगे वो टेबल पर ही नहीं आता, पंजाब का नर्सिंग होम एक्ट टेबल पर भी नहीं आया अजे तक। ठीक ठीक सॉरी बाद थोड़ी तो गल वक्री है डॉक्टर गर्ग, हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे हो डॉक्टर गर्ग? मैं असल च तां सी मैनूं थोड़ा जिहा मैं दोनों वक्तों नाल एक तां यह है भी जिहड़ा क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट बनया होया 2011 तो लागू भी है, सेंटर जिहड़े केंद्रीय शासित प्रदेश ने केंद्र दे विच जिथे जिथे भी हैगा, पंजाब ने ऑर्डीनेंस भी जारी करिया है, तो ये बावजूद उन्होंने जो तुम कहा भी लिख के लाना रेट लाने, इतने मैं वह हाई पावर कमेटी का मैंबर से तो आई एम ए कहने भी ऐ रेट किमें ला दें, मैं क्या यार ये जो करियाने वाला मर्चेंट वाला तो लाद क्यों नहीं ला सकते, से जी ये एक बड़ा वाला नैक्सस है कि असी नहीं दसना, जोड़ा ना दसना है बंदे चंगे हो सकते हैं, मरीज का राइट है वो टू नो, उन्होंने पहला पता हो कि इन्ने पैसे लगने, हो सकता वो जेब च ना होना ना आए। दूजी गल जितों तक सवाल मैं दो तीन गलों के उत्ते गल करनी चाहागा, जिहड़ा सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन जां इन्वेस्टिगेशन ने वो डेफिनेटली दो तरीके नाल, कोई बंदा नैट तो अज की हो गया असी साडी सरकार ने अवेयरनैस जान के नहीं फैलाई, ये तो कहिंदे ने अवेयरनैस नहीं हैगी कई लोगों का, यह मैं कहना जान के नहीं फैलाई, लोगों को एक भीड़ तंत्र बनाउणा है, तुसीं आयुष 64 दे दो जी, तुसीं कोरोनल दे दो जी, तुसीं ग्लोए दे दो जी, आ जिहड़ा जिहड़ा किट दे रहे ने जिथे साडे मुख्यमंत्री साहब की फोटो लगी हुई है वो किट च देख लो कि साइंटिफिक समान है, जिहड़ा ये प्रधानमंत्री जी एक सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री फोटो नाल आउंदा है आ टीके दे उत्ते जिथे तुसीं गल करदे हो, सानूं ये समझना पएगा ये ठीक है तुसीं कि वोटां दे विच लोकां नूं आउणा पएगा, सानूं ये समझना पएगा कि मैडिकल साइंस ना तुसीं नैट तों सिख सकदे हो ना तुसी इधर उधर सुन के सीख सकते हो ना तुहानू मैडिकल रैप पास है, पर इह वड्डी गल कित्थे है प्राइवेट सैक्टर कला हस्पताल नहीं है, प्राइवेट सैक्टर दवाइयां सारियां प्राइवेट सैक्टर च ने, साडी आई डी पी एल एच ए एल स्मिथ सेंटर वो चलदियां सी एडियां वड्डियां इन्नियां सस्तियां दवाइयां मिलदियां, एम आर पी कौन डिसाइड करता है सर, आप एक डिबेट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये कहते हैं कि हम दवाइयां महंगी बेचते हैं, मैं पूछता हूं एम आर पी कौन डिसाइड करता है? ठीक ठीक है थोड़ा सवाल ले रहे राहुल जी, थोड़ा सवाल ले रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर करके कह रहे हैं एम आर पी कौन डिसाइड करता है? नहीं नहीं मैंने चलो मैं चुप कर जाना, नहीं नहीं बोलो बोलो सर तुम अपनी गल पूरी करो ना, नहीं नहीं तो मैं चुप कर जाना, नहीं डॉक्टर जब तुम दवाइया के उत्ते
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने कंट्रोल करना, क्यों नहीं रेट कंट्रोल करते, क्यों इन्होंने आपका जो पेटेंट एक्ट बदलिया, क्यों इन्होंने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्यों नहीं करते, इन्होंने क्यों एसेंशियल दवाई की लिस्ट कढ़ाई, क्यों जड़िया कदियाँ वो दवाइया ने जोड़े बाकी इंप्लीमेंट्स ने। तुम ग्लूकोज की जी नाली है वो 15 रुपए वाली 150 च बिक रही है, आ मास्क ऑक्सीजन के किन्ने महंगे बिक रहे हैं। तुम अस जिन्ना जिन्ना जो ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट चाहता है, जोड़ा दूजा पार्ट है कि तुम अपलायंसिस ने जिड़िया उन्होंने तो कोई एक्ट नहीं बनाया हुआ, वो जिन्ने मर्जी पैसे ले रहे जे जिहड़ा स्टेंट पैंदे ने जिहड़ा लोहे का समान पैंदा है जो भी महंगा बड़ा जी आ वायर पई है जी आ के वायर पई है जी ये असी रॉड पाई है ये सारा कुछ जिहड़ा गोटे बदलने के लिए सारा एक तंत्र है प्राइवेट जिहदे उत्ते हस्पतालां नूं एक टारगेट बना के प्राइवेट हस्पताल भी वो शामिल है ये डॉक्टर जी ठीक है कुछ ना कुछ पर बड़ा जेड़ा वो इंडस्ट्री जेड़ी है प्राइवेट उदे उत्ते प्राइस कंट्रोल ही नहीं करया सरकार ने जानबूझ के नहीं करया हालांकि एसेंशियल कम्युनिटीज के उत्ते सब तो पहली आइटमा जेड़ी एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के विच वो ड्रग्स है सो ड्रग्स उत्ते कोई कंट्रोल नहीं करया। दूजा पार्ट मैं ये कहांगा भी जेड़ा लोगों को ये सीटी स्कैन से असी ठीक है तुम अवेयरनैस कर रहे हो क्योंकि जेड़ा सीटी स्कैन करने वाला है ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਟਰਪੈਥੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਟੱਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੌੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਪਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਜਦਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕਾਰਟੀਕੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਕੋਇਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਨਸ਼ੋਰ ਇਟ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਊਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੀਜਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਸਰ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ
इस चेन नूं तोड़न दे लई इक कारगर तरीका साडे कोल इस तों इलावा होर नहीं हैगा डॉक्टर राहुल? बिल्कुल, एक कोई भी दवाई हो वो एंटीबायोटिक हो राइट टाइम पे राइट डोज में दी जाए तो वो बहुत अच्छे से काम करती है और हमारे को बैक्टीरिया से निवारण करती है। लॉकडाउन एक दवाई है जो पहले फेज में ज्यादा सख्ती से दी गई, ओवरडोज हो गई और इस बार अंडर डोजिंग है। लॉकडाउन सबसे पावरफुल दवाई है, वो आपकी ऑक्सीजन से, रेमडेसिविर से, टोसिलिजुमैब से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो आपके केसेस को कर्टेल करेगी, स्लो डाउन करेगी, कोरोना को मारेगी नहीं और आपको ब्रीदिंग स्पेस देगी जिसकी वजह से आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेड पे लिटा के इलाज कर पाओगे और बचा पाओगे। ये जानना आवश्यक है कि बहुत सारे लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि उनको बेड नहीं मिल पा रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और हमने ये सोच लिया कि कोई बूढ़ा है तो वो जा सकता है, पर ये बात गलत है क्योंकि मेरी माँ अगर 70 साल की भी है तो मैं उसको 75 साल तक जीवित देखना चाहूंगा और कोरोना वो तरीका नहीं है जिसकी वजह से उसकी जान जाए। धन्यवाद। ठीक ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर गर्ग सर, एक आखिरी सवाल तुहानू करना चाहुंदा हां। डॉक्टर गर्ग, सूबा सरकारां ते केंद्र सरकारां आपस विच लड़ी जा रहीआं सर, लोकां दा विश्वास इन्हां ते नहीं रहा सर, हुण मैं पहलां वी इह गल कह चुक्किआ सर, हुण फिर दुबारा कह रहा सर, सर लोकां नूं विश्वास देण वास्ते एक डॉक्टर की कहना चाहूगा सर? आखिरी सवाल सर, चर्चा समाप्त करनी। देखो गल यह है भी डॉक्टर के कल के कहने से कोई बहुता वह नहीं, लोगों का लोगों को पहला सरकार तो ही मंगना पेगा, जिहड़ा आपे करना आप कई बार कर चुके हैं, वो चिकन लाइन का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ी दो गल करांगा जिहड़ियां, एक तो लॉकडाउन का तजर्बा दुनिया के यह है कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। फिर लॉकडाउन की डेफिनेशन की है, 15 मुल्कों ने जिन्होंने बिल्कुल ही लॉकडाउन नहीं कराया उसे करोना भी नहीं होया, मौतें भी नहीं हुई, गिना देना मेरे को लिस्ट है पूरी। जे असी देखते हैं ये बड़ा सौखा तरीका है भी बंद कर दो जी सारों, वो टैंपरेरी तौर पर होंगे लॉकडाउन, लॉकडाउन ने की कर देना, अंदर बड़े बैठे ने सारे परिवार को हो जाना, किन्ना को रोकया जावे कि दो दो कमरे जे जिदे को एक झोंपड़ी है वो छे रोक डॉक्टर राहुल एक मिनट प्लीज सर तुम तो पढ़े लिखे हो सर, मैं रोकना नहीं चाहिए। हाँ डॉक्टर गर्ग सर गल पूरी करो अपनी। नहीं मैं नहीं करांगा जी, वो कोई फायदा ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਡੈਥਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਡੈਥ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
पर पाकिस्तान ने नहीं करया। सो जे कर दो डाटा देख लियो फिर गल करांगे आपां। इस तो अगे मैं ये कहांगा भी जद पूरा सोच समझ के प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट की सोच समझ के पाई है वो तो मतभेद हो सकते हैं। वो मतभेद जिहड़े ने 81% का रिकवरी रेट है सर। डॉक्टर राहुल आ रहे हैं सर। डॉक्टर राहुल एक मिनट हो जाओ सर, एक मिनट हो जाओ, गल पूरी होला तो मैं तुहाडे कोले आ रहा सर। हाँ डॉक्टर कर नहीं इन्हां नूं पुछ लो, मैं दबा बाद च बोलदांगा जे बोलना होया। इन्हां नूं बेचैनी बहुत है। मैनू भी अजीब लग रहा सर, तुसीं इन्ने सारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे सर। जब मैं बोलना वो फिर बिच बोल देंदे ने, फिर बिच बोल देंदे ने। मैं कहना भी तुसीं डाटा सामने पिया, ये कोई लुके होया डाटा है। जवानी बेस से की करना, 200 जिन्ने कंट्री ने सारा दा देख लो, लॉकडाउन किन्ने दिन करिया, केड़ी केड़ी डेट नु करिया, की करिया, ओदे च एवरीथिंग इज अवेलेबल। चलो हुण आपां अपनी अपनी इह अवेलेबल है कि भारत सरकार ने जिथे रोज असीं उहनूं बैशिंग करदे आ, भारत सरकार ने पूरी प्रोटोकॉल पाई हुई है। उस प्रोटोकॉल च कॉर्टिकॉइड शामिल ने, पर उस क्वेश्चन यह है भी कद देने ने। ठीक ठीक है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब नाल सीटी स्कैन कद कराउणा है। सवाल इन्ना है कि जिहड़ी भी चीज असीं दवाई यूज करनी है ओहदे बारे एक पार्ट यह है कि वह सच्ची मुची इफेक्टिव है नहीं है, वह मीडिया का काम नहीं है, वह टैक्निकल रिसर्च का काम है, सरकार नूं दोबारा सुजैस्ट करना। असीं जिहड़ा ये दुनिया के रूल है जिहड़ी प्रोटोकॉल बनाती ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। सर लॉकडाउन से वायरस ट्रांसमिशन कम होता है, आपके पास बेड की इतनी कमी है कि 30-40% जो मृत्यु हो रही है वो ट्रीटमेंट के अभाव में है। 10% मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि स्टेरॉइड का मिसयूज हो रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूँ मिसयूज। डॉक्टर राहुल सर एक सवाल कर लो मैं। डॉक्टर राहुल एक आखिरी सवाल तुम्हें करना चाहना सर। सर जो कोरोना कॉल शुरू होया उदो भी असं लॉकडाउन से खड़े से, अज भी असं लॉकडाउन से खड़े सर। एक साल असं किया कि सर, सर उदो भी लोग भुखे मरे सर, अज भी लोग भुखे मर रहे सर। सर उन्होंने बारे भी सोचो ना, ढिड का सवाल भी है नाल। डॉक्टर राहुल सर भूखे आप एक मिनट रुके, आज वो भूखे नहीं मर रहे सर। हाँ। वो इतने देर जिंदा ही नहीं रह पा रहे कि वो भूखे मरे, पहली चीज। दूसरी चीज, दो इंडस्ट्री चल रही है, एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री और दूसरी क्रिमेटोरियम इंडस्ट्री। ये बात समझिए, जिस प्रकार से 4,000 लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि लोग नहीं गंवा रहे काम। लोग कौन से इस सेंटिमेंट पे घाम बाहर निकल के जॉब कर रहे हैं बताइए, कौन से मॉल चल रहे हैं, कौन से सिनेमा घर चल रहे हैं। सर डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा पे बात करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पिछले हफ्ते तक जर्मनी लॉकडाउन में था। मोर्टैलिटी कम करना हमारा काम है, वो भले 75 साल का हो या 40 साल का, आपको रीलुक करना पड़ेगा। अभी भी मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सबसे पोटेंट दवाई जो है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। चलो बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल, डॉक्टर करक बहुत धन्यवाद। एक लाइन कहनी है हुण। हां बोलो। जिद्दे 499 केस सी देश दे विच, 10 मौतां सी, उद्दे लॉकडाउन असी सख्त करवाया सी। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ 1,00,000 ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 1,00,000 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਬੇਟ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।